8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा आई ऑटो फोकस के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, 5G सपोर्ट के साथ और अल्ट्रा स्लिम डिजाइन। ये है हमारा वीवो का V20 Pro जिसकी कि आज हम करेंगे जल्दी से अनबॉक्सिंग। चैनल पे मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वीवो के लेटेस्ट 5G फोन के बारे में जो कि है हमारा वीवो का V20 Pro। अब अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस के प्राइस के बारे में तो ये है हमारा 29,990 रुपए का। इसके ऊपर आपको एक जबरदस्त ऑफर मिलती है जिसमें कि ये डिवाइस के ऊपर आपको मिल जाता है 2,500 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट और 2,000 रुपए का ICICI कार्ड डिस्काउंट। कुल लगा कि ये डिवाइस आपको 25,490 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा जो कि कमाल की ऑफर है। अब फटाफट से मैं आपको बताती हूँ इस फोन के बारे में सब कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा के बारे में जो कि मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। हमें इस डिवाइस के अंदर मिलता है 44+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा आई ऑटो फोकस के साथ। पहले जो हमारा वीवो V20 था उसके अंदर हमें मिल रहा था 44 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा जो कि काफी कमाल के पिक्स लेता था, और यहाँ पे जैसे कि ये हमारा प्रो वेरिएंट है यहाँ पे तो आपको क्रेजी पिक्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा के हमारे काफी सारे सैंपल्स, मैंने बहुत सारी इसके अंदर पिक्स ली है, बहुत अच्छे से इंजॉय किया है इसके कैमरा को। हमें इसके अंदर जो आई ऑटो फोकस मिल जाता है उसके अंदर आपकी सेल्फी के अंदर बहुत ही तगड़ी शार्पनेस और बढ़िया डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है, मतलब नेक्स्ट लेवल की सेल्फी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके कलर्स भी बहुत ही बढ़िया आते हैं, बैकग्राउंड डिटेलिंग भी कमाल की आती है। वाइड एंगल जो हमारा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, उसके अंदर आपको सुपर वाइड 105 डिग्री का एंगल मिल जाता है और आप देख सकते हैं कमाल की लग रही है हमारी पिक, आपके पूरे ग्रुप की सेल्फी भी आ जाएगी और पीछे हमारा बैकग्राउंड भी कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर बुके मोड के अंदर एज डिटेक्शन बहुत ही शार्प मिल जाता है और बैकग्राउंड ब्लरिंग को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके सेल्फी कैमरे के अंदर आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट्स भी मिलते हैं, काफी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, स्टाइल्स मिल जाते हैं, पोस्चर्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्फीज ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स आपको दिखाए हैं, डिटेल में आप कहेंगे तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारे आपको ये फीचर्स एक्सप्लेन कर दूंगी, और वैसे इस डिवाइस को मैं अपने व्लॉग चैनल पे भी यूज करूंगी, फुल डे यूज करके आपको बताऊंगी कि हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कैसा रहता है व्लॉगिंग में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बैक कैमरा के बारे में। बैक कैमरा में हमें मिल जाता है 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 64 वाला हमारा मेन है जिसके अंदर आपकी नाइट पिक्स बहुत ही कमाल की आती है, अभी मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। उसके साथ हमारा जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है ये हमारा मल्टीपर्पज कैमरा है जिसके अंदर आपको वाइड एंगल, बुके और मैक्रो तीनों चीजें मिल जाती है, मतलब ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी डिवाइसेस के अंदर अगर हम देखें तो बुके और हमारा जो मैक्रो शॉट होते हैं उनके अंदर हमें 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का शॉट मिल रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने में मिलेगी इसके कैमरा में। और जो 2 मेगापिक्सल का हमारा तीसरा कैमरा है वो हमारा मोनोक्रोम लेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उसके कुछ सैंपल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नाइट कैमरा के पिक्स जिसके अंदर हमें क्लैरिटी काफी अच्छी मिल रही है, मतलब अच्छी क्वालिटी की पिक है हमारी, और यहाँ पे आपको DSLR जैसा कंपैरिजन वाली क्वालिटी देखने को मिल रही है, मतलब नाइट फोटोग्राफी तो मजा ही आ जाएगा। इसके साथ डे टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग हमें अच्छी मिलती है, वाइड एंगल आपको काफी अच्छा मिल जाता है, इवन हमारी डायनामिक रेंज भी इसके कैमरा की बढ़िया निकल के आई है। बुके मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन एज डिटेक्शन जो है हमारा वो बढ़िया है, बैकग्राउंड ब्लरिंग को आप यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और भी शॉट लिए थे जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि कलर्स भी हमारे एकदम क्रिस्प आ रहे हैं। बुके मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंस्टा पे ये पिक अपलोड करी थी और काफी लोगों के कमेंट आए थे कि आपने किस फोन से करी है। सो ये है हमारा वीवो का V20 Pro जिसमें आपके बहुत ही कमाल की पिक्स आएंगी। इसके साथ अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो बैक कैमरा का यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वीडियो सैंपल जिसके अंदर आपकी एक्सपोजर को काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है कैमरा हमारा, और उसके साथ आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन भी हमें बढ़िया मिल जाता है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेल्फी कैमरा का वीडियो जिसके अंदर मैंने स्टेडी फेस में लिया है यहाँ पे शॉट, और आपको बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, एक्सपोजर भी हमारा बढ़िया कैप्चर हो रहा है।
स्किन टोन को भी बहुत ही इवन ले रहा है इसका कैमरा, और साथ ही आप इसके सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके साथ आपको स्लो मोशन शॉट लेने की भी ऑप्शन मिल जाती है। सो कैमरा वाइज तो डिवाइस आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। अब बात करते हैं हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। इस डिवाइस में हमें 5G सपोर्ट मिलता है और प्रोसेसर है हमारा गेमिंग सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका एंटूतु स्कोर निकाला था और 3,26,000 हमारा स्कोर आया है। अभी इस डिवाइस के अंदर हमारा एंड्रॉयड 10 है, लेकिन जैसे ही हमारा दिसंबर का अपडेट आएगा, फर्स्ट वीक में अपडेट आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर हमारा अपडेट आएगा एंड्रॉयड 11 का। सो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो एक्चुअल में डिवाइस को में आपको काफ़ी मजा आएगा। अब अगर हम गेमिंग की बात करें तो आपको इसके अंदर मल्टी टर्बोस मिल जाते हैं, अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है, जिससे कि आप गेमिंग एक्सपीरियंस को और बढ़िया कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका गेमिंग रिव्यू कर दिया था, जिसमें आपकी कॉल ऑन ड्यूटी और इसके साथ एस्पॉल्ट 9 और इंटू द डेड ऐसे मैंने हैवी गेम्स खेली हैं, और हाई ग्राफिक्स पे भी गेम खेलने में आपको डिवाइस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। वैसे मेरे हिसाब से आप इस डिवाइस का गेमिंग रिव्यू जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी टेस्टिंग के लिंक मिल जाएंगे। अब आगे अगर हम बात करते हैं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले हमारा काफी ब्राइट है। हमें इसके अंदर मिल जाता है 6.44 इंच का E1 Pro AMOLED डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। काफी ब्राइट एंड कलरफुल डिस्प्ले है हमारा HDR10 के साथ, और 600 निट्स की हमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है। सनलाइट में मैंने इस डिवाइस को यूज किया था, जिसमें काफी बढ़िया इसके अंदर हमारी ब्राइटनेस आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी यूज करने में, और व्यूइंग एंगल्स भी हमें बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये वीडियो चल रहा है, इसके अंदर आपको बढ़िया लगेगा डिस्प्ले यूज करने में, कलर्स हमारे एकदम कमाल के आ रहे हैं। वैसे ऑडियो आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो सैंपल पहले आप सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्पीकर का आउटपुट हमें लाउड मिल रहा है, क्लियर मिल रहा है। वैसे कंप्लीट ऑडियो टेस्ट मैंने इस डिवाइस का कर दिया था, जिसमें हमें जो इसके बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स मिलते हैं उसमें कैसी क्वालिटी मिलती है, वो सारी चीज़ें, ईओपीस की साउंड कैसी है, वो सारी चीज़ें टेस्ट करी हुई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें मिलती है 4000 mAh की बैटरी, और उसके साथ हमें मिल जाता है बॉक्स के अंदर 33W का फास्ट चार्जर। चार्जिंग तो हमारी इस डिवाइस की फास्ट है, और एक्चुअल में अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं, मैंने इस डिवाइस का जब ड्रेन टेस्ट किया था तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आया था। मतलब मजा आ गया था डिवाइस को यूज करने में। मेरे हिसाब से अगर आपने इसको खरीदना हो तो ड्रेन टेस्ट जरूर देखिएगा। अब बॉक्स के अंदर अगर हम बाकी चीजों की बात करें, तो हमें यहाँ पे टाइप सी केबल मिल जाती है, और उसके साथ हमें एक कनेक्टर मिलता है, जो कि यह है हमारा टाइप सी टू 3.5 वाला, क्योंकि डिवाइस के अंदर हमें 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता, लेकिन आपको कनेक्टर मिल जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके साथ हमें यहाँ पे एक बैक केस भी देखने को मिलता है, जो कि हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपके डिवाइस का जो डिज़ाइन है, जो कलर है, वो पूरी तरह नजर आए। अब बात कर लेते हैं हम डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले तो इसका जो हमारा ये सनसेट मेलोडी कलर है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब हर एंगल से इसका डिफरेंट शेड आता है, हाथ में होल्ड करा हुआ डिवाइस बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। इसके साथ ये हमारा बहुत स्लिम डिवाइस है, मतलब बहुत ही स्लिम, बहुत ही लाइट वेट, सिर्फ 170 ग्राम्स का है, और उसके साथ इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो 7.49 mm की आपको थिकनेस मिलती है। ये जो सनसेट मेलोडी कलर है, ये हमारा हल्का सा थिक है। जो दूसरा कलर आता है इसका मिडनाइट जैज कलर, वो थोड़ा और स्लिम है, 7.39 mm का। मतलब डिवाइस के अंदर एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमें ग्लास बॉडी मिलती है, बैक साइड में आपको AG मैट ग्लास मिलता है, उसके साथ हमें 4000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, और तब भी ये डिवाइस हमारा काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा ये हमारा स्लिम है। मतलब आप इसको हाथ में होल्ड करेंगे, बहुत ही प्रीमियम फील आएगी, बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रही है इसकी। और इसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बैक साइड में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रंट साइड में हमें शॉट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन मिलती है, और उसके साथ आपको स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिलता है जब आप बॉक्स से डिवाइस को निकालेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो लुक वाइज तो डिवाइस हमारा ये कमाल का लग रहा है, और आपको काफ़ी सॉलिड और बढ़िया प्रीमियम फील आएगी इसको हाथ में होल्ड करने में।
सो गाइस ये था हमारा डिवाइस, हमारा वीवो का V20 Pro, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अभी कुछ टाइम में इसको और यूज करके आपको आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। तब तक आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी पिक्स कैसी लगी, सेल्फीज कैसी लगी और ओवरऑल डिवाइस आपको ये कैसा लगा, क्या है आपका ओपिनियन इस फोन के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।